और दो तीन है इसके अंदर। वेज अभिजीत मोहित और तुम्हारा भाई, देखो मेरे पेरेंट्स की हालत हो रखी है, देख लो तुम, देख। और तुम्हारा भाई जो है ना वो एक हाथ से बाइक चला रहा है और एक हाथ से ब्लॉग बना रहा है, ये देखो। तो चलो फटाफट फटाफट देख लिया क्या काम है, तो फटाफट जाता हूँ नीचे और काम पे लग जाता हूँ, ठीक है ठीक है। इतना मैंने उन लोगों के साथ ज़्यादा कुछ ज़्यादा प्रैंक कर दिया, ठीक है। पर वैसे जो बाइक है ना वो पंक्चर हो चुका है, ठीक है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सवेरे के 10 बजे के आसपास से। बाय द वे गाइस, आज स्कूल छुट्टी थी, ठीक है। और तुम्हारा भाई ना आज जल्दी उठ गया था, लगभग 8 बजे के आसपास उठ गया था। और गाइस कैमरा ऑफ कैमरा में भी ना काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ ना कि तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया था ना, तो फिर कल रात एक वीडियो थी जो मैं अपलोड कर रहा था और उस पर कॉपीराइट आ गया था, ठीक है। तो फिर वो वीडियो तुम्हें कल चैनल पर देखने को नहीं मिली, कल का ब्लॉग, ठीक है। तो फिर आज मैं उसे वापस ही सवेरे अपलोड कर रहा था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं सोचा कि जब तक वो अपलोड ना हो जाए ना तो तब मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि गाइस अभी लाइन चली गई थी, तो फिर इसी वजह से वो ब्लॉग अपलोड होना बंद हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि गाइस वाईफाई पे लाइन नहीं है तो फिर वो चलेगा नहीं ना, तो फिर वीडियो अपलोड होना बंद हो चुका है। तो फिर मैं सोचा कि ऐसे तो सिर्फ टाइम 5 बजे जा रहा है और ब्लॉग भी रुक गया है, ठीक है। तो फिर अभी जो ब्लॉग बना रहा है वो ब्लॉग भी रुका हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि छोड़ ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, वो थोड़ी देर पर जैसे लाइन आएगा तो फिर वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा भाई बता देता है कि ऑफ कैमरा में देखी जरूरी थी, सवेरे सवेरे तुम्हारा भाई उठता है और फिर ब्रश वगैरह सब चीज़ें कि फ्रेश हो गया, ठीक है। उसके बाद पापा गए थे बाहर, पापा वहाँ से कचौड़ी और जलेबी लेके आए थे, तुम्हारा भाई खाना खा चुका है, ठीक है। और उसके बाद भाई मतलब पापा बोल रहे थे ना एक चीज़ और खाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाला रेलवे स्टेशन, इधर से टूट रखा है, ठीक है। तो क्या काम है गाइस, हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ, इसको पूरा हटा देंगे, अच्छा ऊपर से, अच्छा ठीक है ठीक है। और क्या हम तुरंत ही चाह रहे हैं, तो गाइस तुम लोगों ने देख लिया ना क्या काम है, तो फिर फटाफट से जाता हूँ, वो भी काम है वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलो फटाफट, तुम लोगों ने देख लिया कि क्या काम है, तो फटाफट से जाता हूँ नीचे और काम पे लग जाता हूँ, ठीक है। जो कोना है ना गाइस उस कोने पे ना वो एल्वेस्टर टूट रखा था, ठीक है। उसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे, तो गाइस उसी जगह पे ना हम लोगों ने वो जो एल्वेस्टर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दूसरा एल्वेस्टर लगा दिया तो वो काम हो चुका है, ठीक है। और बाहर का वेदर जो है ना यार तुम देखो, ठीक है, देखो कितना क्लाउडी हो रखा है, ठीक है। कभी भी बारिश पड़ सकती है, तो फिर एक काम करता हूँ कि जाके मैं ना फ्रेश होता हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम मेरे बालों का कंडीशन देखो यार, देखो ठीक है, जब सा हो रखा है पूरा करनी कर ली, ऐसे ऐसे मोड़ चुका है, ठीक है। और पूरा ऑयली है, तो जाता हूँ मैं पहले फ्रेश होता हूँ, उसके बाद से फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस आज खाने पे क्या बन रखा है तुम खुद से देखो, ठीक है। चावल दाल और ये पोस्तू, ठीक है, आलू पोस्तू, ठीक है। मैं तो इसे बचपन से आलू पोस्तू के नाम पर समझा रहा हूँ, अगर तुम किसी और नाम से जानते हो तो मुझे बता देना। बाकी ये आलू पोस्तू, ठीक है। तो फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ, उसका ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गाइस अभी मैं खाना खा के ना मतलब थोड़ा पुरानी स्टोरियाँ वगैरह देख रहा था अपनी, ठीक है। तो फिर गाइस अभी तक परवेज आया मेरे घर पर, ठीक है। और शायद से ना आज जैसे आज शायद परवेज का फेस्टिवल वगैरह है उन लोगों के, ठीक है। तो फिर अभी मैं जाने वाला हूँ उसी के साथ बाहर घूमते घूमते, तो गाइस चलो निकलते परवेज के साथ बाहर, ठीक है। देखते परवेज के साथ कहाँ जाते घूमने के लिए, ठीक है। अभी तो कुछ आइडिया नहीं है कहाँ जाएंगे परवेज अपनी बाइक लेके, परवेज से निकलते देखते कहाँ घूमते घूमते जाते हैं, जाते उससे बात करते हैं डिसाइड करते कहाँ जाना है। इस मैं डायरेक्टली घर से निकला, ठीक है, और आ गया था पेट्रोल पम्प फ्यूल डलवाने के लिए, जस्ट पीछे फ्यूल टैंकर है, तो फिर हम लोग वहाँ से फ्यूल अप करवा लिया है, ठीक है। और कहाँ जाना है, निकले गाँव, फैलाज को बोल रहा था,
हाँ तो देखो अभी कहाँ जाना है हमें भी नहीं पता, जाते हैं यहाँ से पहले मोहित को उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है ना। हाँ तो हम लोगों ने गाड़ी पे पेट्रोल लगा लिया है, अब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, अब चलो देखते हैं कहाँ जाना है घूमते घूमते, फिर कुछ रास्ते पे खाने के लिए भी ले लेंगे, तो चलो निकलते हैं। नहीं सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपने सभी लड़के को उठा लिया है, ठीक है, परवेज, अभिजीत, मोहित और तुम्हारा भाई। तो फिर क्या करना है कि अभी हम लोग ना यहाँ से निकले गांव जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज है ना वहीं पे जाएंगे, वहीं पे सभी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो आज वहीं पे जाना निकले गांव, ठीक है, तो फटाफट हम लोग तैयार भी हो चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं। और एक चीज़ तुम्हें याद दिला दूँ, याद है हम जल्दी कुछ दिन पहले एक बार ब्लॉग बनाए थे, तो फिर हम लोगों ने वो जो पानी वाला था ना जिसमें हम नहाने के लिए आए थे, देखो उस कॉर्नर पे, ठीक है, वहाँ पे आए थे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, तो ये वही ब्रिज है, ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस बाहर पे, ठीक है, अभी ना बस नीचे गया जो कुआ है ना उस पर गया कि उस पर, तो वही नीचे निकाल कर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे भाई कति परिश्रम के बाद निकल जा रहा है नीचे, पता चला है कि इसके अंदर चार पांच चिड़िया था, देखो यहाँ पे और दो तीन है इसके अंदर, इधर से गिजो इधर से गिजो छोड़े जा देना, इधर से इधर इधर आ जाओ, अरे गिरा यार, देखो भाई और एक है ना, नहीं है चीनी था, तो भाई अभी तीनों चिड़िया को हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है, मैंने निकल ने निकाला है, और देखो निकल उधर जा रहा है, तो फिर चलो निकल जाने का वेट करते हैं, निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। तो भाई देखो निकल का घर, यही है निकल का घर, इधर इससे मूंग दाल लगा रखा है और आम के पेड़ है लगातार लाइन से, इधर एक कटर का पेड़ है, मतलब ना फुल हरियाली भरियाली, और देखो आ रहा है, देख लो घर है भाई, पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है, पूरा घास वास है, पूरा खेती कर रखी करते, चलो निकलते हैं लाइक भाई। अभी क्या सीन हुआ ना कि हम आए थे यहीं पे सोनू के निकल के वहाँ पे, ठीक है, तो फिर अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक ली थी और फिर ये चॉप वगैरह था, ब्रेड चॉप और भी समोसा वगैरह काफ़ी चीज़ें थी, मिठाई उठाई, और परवेज का जो बाइक है ना वो पंक्चर हो चुका है, ठीक है, तो फिर यहीं पे पंक्चर जस्ट बगल पे बनता है, तो जाते हैं फटाफट जैसे बनाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और हम लोग को घर भी जाना है। हाँ बोलो आ रहा भाई, फाइनली अभी तक हमारी जो गाड़ी है वो ठीक हो चुकी है, और तुम्हारा भाई जो है ना वो एक हाथ से बाइक चला रहा है और एक हाथ से ब्लॉग बना रहा है, ये देखो, और क्या ही बताओ यार, आज का दिन है ना वो काफ़ी बुरा गया, काफ़ी बुरा, मैं सोच नहीं सकता ना भाई इतना बुरा गया, पता तुम लोगों को, भाई सोचा था कि दोस्त के साथ आऊँगा, थोड़ी सी मौज मस्ती होगी, घूमेंगे फिरेंगे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे वापस ही, लेकिन क्या ही बताऊँ यार मैं तुम लोगों को, तो अभी फाइनली जाके ट्यूब सही हुई है और चलो आगे फिर वहाँ पे निकल जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली भी वहाँ से घर निकलेंगे। बरमाला तो पहला तो निकला इसको टायर का बरमाला अरे क्या रे ईद ईद है मुबारक दो वीडियो तो ब्लॉग भाई भाई बिना ब्लॉग खराब कर दे रहा है अबे तेरे को क्या करेगा भाई बता। तो भाई अभी हम लोग एक बाइक पे तीन तीन का स्टूडेंट है, अब ऐसे ही घर जा रहे हैं, ठीक है, बता दो यहाँ से काफी लगभग 10 किलोमीटर दूर है, अब ऐसे निकल के घर 10 किलोमीटर दूर है, चलते हैं यार, काफी ज्यादा कंजेस्टेड है, काफी ज्यादा मुश्किल से बैठे, चलते हैं घर पे।
तो गाइस अभी क्या होना कि हमारी जो गाड़ी है ना उसका फिर से गाइस पंचर हो गया, ठीक है। तो परवेश उसे वापस ही लेके चला गया, ठीक है, परवेश उसे वापस ही लेके चला गया। और अभी हम ना यहाँ से पैदल जा रहे हैं, और अभी मैं बताऊँ कहाँ हूँ, मैंने अपने स्कूल से काफ़ी पीछे हूँ, ठीक है। हम लोगों ने सोचा आराम से भाई 10 किलोमीटर आराम से होंगे, भूतिया नदी एकदम भाई, भाई 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 पूरा गजब का माहौल है। हम लोग पानी की आवाज़ सुन, हम लोगों ने सोचा था ना कि घर पहुँच जाएंगे। हाँ यहाँ पे कुआं भी है, वो कौन है ज़ूम करके दिखा, मत करो इधर, पहले से बता रहा हूँ, देख लो रोड पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये जो चीज़ें ना गाइस, ये पूरा सुनसान एरिया है, पूरा सुनसान एकदम। रात का 10 बजे, नहीं 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 9 बज के 9:30 हो रहा है भाई। तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे बगल पे वो भी चलाता है, क्या कहते हैं उसको, भी मरने के बाद जो चलाते हैं वो भी चलाता है इधर बगल पे। तो भाई जब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, चलते चलते हालत ख़राब हो जाएगी भाई। मैं तो चल लूँगा, इन लोगों का नहीं पता, तो चल लेगा उसका नहीं पता, कल इसको लाएगा ना फिर भाई देखो मेरा कोई डेजर्ट है भाई, तुम्हारा देसी बालक आराम से चल लेगा, चाहे 10 किलोमीटर है, चाहे 15-20 कितना भी रहे, आराम से चल लूँगा मैं, इन लोगों का नहीं पता, ठीक है। चलो अभी बहुत दूर है स्कूल से, बहुत ज़्यादा दूर है, चलो चलते हैं। गाड़ी आ रही है, हाँ वो देखो, चलो चलते हैं, जब तक पहुँचेंगे देखते हैं आगे भी, फिर पूरा कंटिन्यू करते रहूँगा। सो गाइस अभी ना हम ना हमारे स्कूल के जस्ट पीछे ही एक मतलब पुलिस का बिल्डिंग है, वहीं पर आके बैठे हुए इधर। पुलिस वाले लोग काफी सारे हैं वहाँ पे, और जैसे ही बारिश छूटेगी ना तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हुआ कुछ ज्यादा था कि हम यहाँ पहले जैसे आ ही रहते और बारिश पड़ने स्टार्ट हो गई, चलो फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस अभी चलते चलते हम ना थोड़ी दूरी पहुँचे हैं, ठीक है। और मेन जो हॉरर प्लेस था ना वो दस पीछे था, उस चीज़ को हम लोगों ने पार कर लिया। अब देखो अभी बहुत दूर है यार, अबे जो भी है हमें थोड़ी ना उससे कोई मतलब है, ठीक है, जाने दो उससे भी जो जहाँ जा रहा है। भाई फुल ड्रिंक किया हुआ है बंदा, जाने दो भाई, कुछ भी करना, ठीक है, कभी भी ड्रिंक किए हुए जो लड़के रहते हैं या फिर जो बुजुर्ग रहते हैं उनसे कभी मत लगना, क्योंकि भाई वो तो पहले से ही ड्रिंक किए हुए, वो तो पहले में ही नशे से हैं, ठीक है, और तुम उससे लड़ दोगे ना तो और भी आ सकते हैं। मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ, देखो तुम पीछे एकदम घोर अंधेरा हो रखा है। चलो फटाफट से निकलते हैं यार, जितने जल्दी सदर हॉस्पिटल पहुँच जाओ उतने जल्दी बढ़िया हम लोग के लिए। चलो आगे फिर से ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं, अरे बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। इन दोनों का घर तो कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है, इन दोनों का घर तो काफ़ी ज़्यादा सामने है। मोहित भी निकल जाएगा उधर से, अभिजीत भी निकल जाएगा, बचूंगा मैं, भाई दूर है। चलो चलो चलते हैं आगे, फिर से ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे, हमने फ़ोन भी चार्ज दिया ना, 15% बस चार्ज हो रखा है। चलो चलते हैं फिर आगे, फिर से ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो गाइस तुम्हारा भाई फाइनली घर पहुंच चुका है, ठीक है, उतनी दूर की मंजिल ख़त्म हुई, तुम्हारा भाई अपना मिशन सक्सेसफुल करते हुए घर पहुँच गया, ये दुख। चलो घर घुसता हूँ और तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे दो दो दिल छिप कर लिए, देखो एक सौ मेरे दरवाज़ा खोल दो, फिर देखो मेरे पैंट की हालत हो रखी है, देख लो तू, देखो मेरी मम्मी देखेगी ना तो 3-4 डाल दिया देगी, देखो उसे भाई साहब ये सब है ना, ये बारिश से काम हुआ है, मेरे दरवाज़ा खोलने का पहले, रुको भाई तुम्हारा पहुंच चुका है घर। एंड गाइस एक चीज़ बताऊँ, क्या बात है कि मैं कर रहा था मोहित और अभिजीत के साथ घोस्ट प्रैंक, ठीक है, कि मेरा अंदर भूत आ चुका है, और इसी चीज़ को करते करते यार मेरा रोड पे 2-3 बारिश हो गया था, ठीक है भाई, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया था इसलिए ना, क्योंकि फिर उन लोगों को कैसे लगता है यार कि ये मतलब रियल थोड़ा कैसे लगता है उन लोगों को, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं करता, कैमरा ऑन कर देता तो उन लोगों को लग जाता है कि भाई ये प्रैंक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता भाई जो कैमरा ऑन करके किया जाता है ना वो अक्सर स्क्रिप्टेड ही रहता है, तो अगर उन लोगों को पता चलता था कि मैं ये चीज़ें स्क्रिप्टेड कर रहा हूँ उसी वजह से मैं कैमरा ऑफ करके उनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। और गाइस वो काफ़ी डर चुके थे, मेरे को कपड़ा भीग चुका है इधर साइड, अच्छी बात बता रहा हूँ, आज का दिन था ना काफ़ी मजेदार दिन था,
हंसते हंसते यार पूरा पेट दर्द कर रहा हंसते हंसते ठीक है। उसमें मैंने उन लोगों के साथ ज़्यादा कुछ ज़्यादा प्रैंक कर दिया ठीक है। चलो फटाफट से कपड़ा पहले बदलता हूँ, उसके बाद से फिर से तुम लोगों से मिलता हूँ और ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज जैसे मैं घर गया था ना तो मम्मी ने मेरे को खाना दे दिया और आज खाने पर बन रखा है पनीर की सब्जी, रोटी और ये उसका क्या नाम था, हाँ सेवई। तो फटाफट से मैं पहले खाना फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ।